गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद, जय श्री राम। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सो एज वी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो पार्ट वन ऑफ योर लेसन रशियन रिवॉल्यूशन, टुडे वी आर हियर विद द चैप्टर वन, द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। नाउ व्हाट इज सोशलिज्म? सोशलिज्म मीन्स देयर इज अ सोसाइटी वेयर इन विच पीपल, और शुड आई से स्पेसिफिकली द सोशलिस्ट, वॉट वर द थिंकिंग, द थॉट वॉज वेरी प्रोमिनेंट दैट कि जितनी भी सोशल इवेल्स हैं, जितने भी सोशल इल्स हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल, दैट इज द कैपिटलिस्ट। तो क्या करना चाहते थे? दे वॉन्टेड टू ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट, दे वॉन्टेड टू टेक द कंट्रोल ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज, ऑल द थिंग्स इन देयर ओन हैंड। तो सारा का सारा मैटर इन टू देयर ओन हैंड, दे वॉन्ट टू डू दिस। ओके, तो दीज वर बेसिकली कमिंग आउट ऑफ आइडियाज दैट वर बेसिकली गोइंग अराउंड एट द सेम टाइम इन फ्रांस। ओके, एज देयर वॉज मोनार्की बीइंग ओवरथ्रोन। तो हम देखते हैं देयर वर डिफरेंट सेट ऑफ पीपल्स जो कि पूरे यूरोप और या कहें कि पूरे के पूरे विश्व में इसको लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे थे। सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट ओविन का। ओके, रॉबर्ट ओविन 1771 टू 1858, ये एक प्रोमिनेंट इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। ओके, इनकी इनकी भी सोच ऐसी थी कुछ कुछ कि ये चाह रहे थे कि ये अपनी इंडस्ट्रीज जो है ये ओपन टू ऑल करें, और इसमें वर्कर्स ही पैसा लगाएं, वर्कर्स ही पैसा कमाएं। सो प्रॉफिट शेयरिंग वुड बी इन ऑन इक्वल बेसिस। सो दिस वाज अगेन द आइडिया फ्रॉम सोशलिज्म। ओके, सोशलिज्म एज एन इम्पैक्ट इन नॉर्वे, दैट इज इन यूएसए, इंडिया ना यूएसए, ठीक है, नॉर्वे है इनकी कंपनी का नाम था। देन सेकंड वन इज लुईस ब्लैंक 1813 टू 1882। आप देखेंगे लगभग कंटेम्प्रेरी है एक दूसरे के, जितने भी ये सारे के सारे विचारक हैं सब एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं। आप देख सकते हैं ये है फ्रांस से, इनका भी सेम आइडिया था। His ideas was of equal profit sharing, crop sharing, or should I say higher wages, okay, less working hours, because socialism means basically okay, so inka bhi ideas bilkul waisa hi tha. Socialism means yahan par he wanted the government to intervene and government to bring such kind of cooperatives, aur cooperatives ka kaam kya hone wala tha कि ये जो है ये इस तरीके के वेंचर्स को और ज्यादा प्रोत्साहित करें। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज वेरी फेमस कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स 1818 टू 1883 रशिया में थे, इन्हीं के साथ कंटेम्प्रेरी थे फ्रेडरिक एंगल्स जो कि 1820-1895 अगेन फ्रॉम रशिया। दोनों का लगभग एक जैसा मानना था। कार्ल मार्क्स थोड़े से ज्यादा सीवियर थे, थोड़े से ज्यादा अटैकिंग थे। उनका मानना था कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाते हैं, वर्कर्स के लिए कुछ नहीं करते हैं, और वर्कर्स को लंबे समय के लिए काम करना पड़ता है, उन्हें वेजेस काफ़ी कम मिलती है, प्रॉफिट पूरा कुछ लोग, कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी वो लेकर के चले जाता है। तो इनका ये मानना था कि इसको हम कम करना चाहेंगे और ये जो है प्रॉफिट वो रीडिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और इसी के हिसाब से आप देखते हैं थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म निकल करके आई। ओके, इसी समय जैसे आप देखते हैं लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लेस नंबर ऑफ वेजेस, लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन, इन सब कारणों के कारण वी हैव दी सेकेंड इंटरनेशनल कमिंग अप। ओके, दिस इज अ ग्रुप ऑफ ट्रेड यूनियन, ओके, जो कि बनी थी उस समय। यहाँ से हम देखते हैं सेकेंड इंटरनेशनल जब बनी, उसके बाद इंग्लैंड और जर्मनी में बहुत ही प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। इसका नाम था सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। ये पार्टी 1917 तक कोई चुनाव जीतने में तो लगभग जो है नाकामयाब रही, पर ये किसी तरीके के सोशलिस्ट, किसी तरीके के कंजर्वेटिव्स और कई बार रेडिकल्स को अपने साथ मिला करके चुनाव जितवाने में काफी मदद कर सकती। तो अब यहाँ से शुरू होता है ट्रेड यूनियंस और ट्रेड लीडर्स का दबदबा चुनावी क्षेत्र में। तो यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा वर्चस्व बनने लगा। लेबर पार्टी इसी तरीके की एक पार्टी थी जो कि सोशलिस्ट टेंडेंसी की थी, जिसका जन्म हुआ था ब्रिटेन में। सेम तरीके की पार्टी सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में था, जिसका जन्म हुआ था इसी सिद्धांत के रूप में, जहां पर सोशलिस्ट पैटर्न को वो प्रमोट करने वाले थे। सो दिस इज हाउ सोशलिज्म स्प्रेड्स इट्स विंग्स इन द एंटायर रीजन ऑफ यूरोप, मेड बी फ्रांस, मेड बी रशिया, मेड बी सम अदर कंट्रीज। सो सोशलिज्म इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंपैक्टफुल एंड इट इज स्टार्टेड टू क्रिएट मोर एंड मोर प्रॉब्लम फॉर द कैपिटलिस्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट चैप्टर, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। वी आर हियर विद येट अनदर सीरीज ऑफ the chapter Russian Revolution. This is the second part of the chapter where we are discussing about the Russian Revolution. So this is a very prominent topic in the chapter.
Here we are going to discuss about how socialism came into Russia, what effects did it have, and what were the outcomes of the Russian revolution at the final stage. Fine, शुरू करते हैं. सोशलिस्ट सोसाइटी बन रही थी. हमने लास्ट टॉपिक में लास्ट वीडियो में देखा था कि जो रशियन रशिया है, रशिया में सोशलिज्म काफी स्प्रेड हो रहा था. पूरे यूरोप में लगभग यही हालत थी. इसके कारण देयर वाज अ नंबर ऑफ सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशन, सीरीज ऑफ आउटरेज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी. नॉट एवरीवन वाज वेरी हैप्पी. ओके, दिस इज फेमसली कॉल्ड एज अक्टूबर रिवॉल्यूशन इन द ईयर 1970. Fine, just remember the year, it's very important. So, here we witnessed two events. One was the fall of monarch, okay? And second was the events that took place in the series in month of October. This whole thing summing up. Empire in 1914, it was a huge empire. It consists of many, many different regions. Now, in today, if we see, it consists of Austria, it consists of Finland, it consists of Poland, and different nations, okay? So, the Russian Empire was huge. It was ruled by Tsar Nicholas II. Okay, then the main thing we see over there, the society was predominantly an agricultural society. The economy was agricultural. You see, कि आप अगर यहाँ पर देखते हैं, तो रशिया में 85% of the population was practicing or involved directly or indirectly in the agriculture. Okay. Second, we see the rest of the countries. आप देखेंगे फ्रांस को, आप देखेंगे जर्मनी को, जो खुद भी 40% और 50% द पीपल वर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर. सो दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन विच आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. इसका एक मतलब और हो सकता है, जैसे हमने फ्रांस में देखा कि एक बार एक सीजन खराब होने पर ब्रेड के प्राइस जो थे कितने स्काई हाई हो गए थे. यही कारण था कि ये डर दूसरे देशों में भी आ रहा था. एक और चीज थी, क्योंकि सोशलिज्म आ रहा था, उसके पहले तक हम देख रहे थे कि वर्किंग आवर्स जो थे वो वेजेस भी थी बढ़ी हुई वर्क, और जो वर्किंग आवर्स जो थे वो थे बढ़े हुए. और मेन डोमिनेंट एरिया जो इनका था वो था प्रोमिनेंट इंडस्ट्री थी सैंट पीटर्सबर्ग में, जो था मॉस्को में. ओके, यहाँ पर आप देखते हैं कि मेटल वर्कर्स को आप देखेंगे कि कास्ट, जैसे कास्ट सिस्टम के हिसाब से चल रहा है, तो टॉप ऑफ द ऑर्डर, टॉप ऑफ द टेबल पे थे मेटल वर्कर्स. इनको एक तरीके से एरिस्टोक्रेट्स माना जाता था ऑफ द वर्कर सोसाइटी. ओके, टॉप लेवल पे होते थे ये, क्योंकि इनका जैसा काम काफी मुश्किल था, काफी कम लोग ये टेक्निक जानते थे, काफी कम लोगों के पास इस तरीके का हुनर था या स्किल सेट्स थे. फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो आप कंट्री साइड पे जैसे जाएंगे तो चर्चेस, खासकर ऑर्थोडॉक्स चर्चेस, ये बहुत बड़े एरियाज को कवर करते थे और ये ओन करते थे. हमने फ्रांस में भी देखा था चर्चेस की मोनोपोली थी. चर्चेस जो थे वो काफी लंबे एरियाज ऑफ लैंड को या प्रॉपर्टी को ओन किया करते थे. टैक्सेस भी लगाते थे, ये भी हम जानते हैं. तो यही की यही स्थिति यहाँ पर थी, ये लार्ज प्रॉपर्टीज को ओन करते थे. एक अलग बात आप रशिया में देखेंगे कि रशिया में जो नोबल्स थे, नोबल्स जो थे वो सार निकोलस टू की काफी जी हुजूरी करते थे, है ना, बटर पॉलिशिंग और इस तरीके से सर्विसेज दे दे करके, और अपने लिए कुछ ना कुछ रियायतें, कुछ ना कुछ लग्जरीज ले आया करते थे. इसीलिए अधिकतर देयर वर क्लैशेस बिटवीन द वर्कर्स एंड द नोबल्स. ओके, दैट इज व्हाई वी सी इन द रिवॉल्यूशन बिटवीन 1902 एंड 1905 देयर वर मेनी लैंडलॉर्ड्स, मेनी नोबल्स, मेनी एरिस्टोक्रेट्स किल्ड बाय द वर्कर्स ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन. ओके, सो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, वन कैन से कि ऑफ द पीक ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन. स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से धीरे धीरे करके टिल 1970 वी विल गो फॉर द फुल फ्लेज्ड रशियन रिवॉल्यूशन. ओके.